सब लोग आ जाओ। तो दोस्तों, ये हम लोग नया साल का फंक्शन का प्रोग्राम रख रहे हैं और पिछले एक तारीख तो संडे है सर, यहाँ एक तारीख को संडे है, तो शनिवार भी है और सब लोगों को घर जाना भी है। तो इसलिए हमने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक तारीख का ना रख करके 31st का प्रोग्राम रख रहे हैं। वैसे हम लोग एक तारीख का हमेशा प्रोग्राम बनाते हैं और हमारे साथ जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो भी सब लोग इसी साथ में फंक्शन इंजॉइन करते हैं। तो ये हमारा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है। इसमें से बहुत ऐसे जो बच्चे हैं जिनका कोर्स कम्प्लीट हो चुका है, जो लोग अभी सीख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नए लोग हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के लिए। तो नए साल में सबसे पहली बात क्या है, सभी को बहुत बहुत विशेष, ताकि आप लोग सब लोग सीख करके, जो लोग ऐसे हैं जो लोग सीख कर गए हुए हैं या सीख के जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि अपना अच्छी तरीके से काम करें। और जो नए लोग हैं, जो लोग अपना ज्वाइन किया हुआ है, ताकि उनकी तरफ से, ताकि वो भी अपना नए साल के लिए एक नया फ्यूचर को सिक्योर करें। क्योंकि ये काम हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि ये हमारा पहली बार तो जो कोर्स होता है, ये हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोर्स होता है। बिजनेस का मतलब होता है कि इस काम को सीखने के बाद कल को या तो हमको रोज़गार ढूंढना है, या तो हमको कोई जॉब सर्च करनी है, या इससे रिलेटेड कोई काम ढूंढना है, या तो भैया हमको कल को अपना खुद का काम करना है। क्या करना है? हमको खुद का काम करना है, खुद का अपना सेटअप बनाना है, खुद का अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। इसमें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बिजनेस को चला रहे हैं, या 8 साल 10 साल 5 साल से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया। इसलिए ट्रेनिंग लिया ताकि वो सभी काम को अच्छी तरीके से सीख करके बढ़िया तरीके से किया जा सके। हमेशा लाइफ में वही आदमी अच्छी तरीके से काम कर सकता है जो सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो, मतलब पूरे कंप्लीट काम को जानकारी रखता हो, पूरे कंप्लीट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानता हो, ताकि वो अच्छी तरीके से काम को कर सके। और मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस को सफल तरीके से तभी रन किया जा सकता है जब तक आप उसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखें, सारे काम आप कर सकें और आपके द्वारा ही हो सके। आप किसी काम को किसी 10 आदमियों से करवा सकते हैं, वो बात मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको खुद भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक लाइफ में कोई भी काम करने जाए, कोई भी बिजनेस करने जाए, जब तक आप खुद नहीं कर सकते, तब तक समझ लीजिए आपको 99% सक्सेस होने का चांस नहीं है, लेकिन 99% फेल होने का चांसेस ज़रूर है। क्यों? क्योंकि आपको खुद आता है। अगर खुद आता है तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फंक्शन को एंजॉय करते हैं, साथ में केक काटते हैं। आइए सब लोग, रघुनंदन जी आइए सब लोग। सबसे पहले क्या है कि सहयोग बहुत जरूरी है सब लोगों का। नया साल मुबारक हो सभी के लिए। श्याम भी उसको लगा रहे नहीं। अरे मान जा यार, अब खराब कर नहीं। लो श्याम देव। शाहरुख जी जो हमारे सबसे सपोर्टिंग स्टूडेंट हैं, जो काम तो सीखते सीखते हैं लेकिन उसके अलावा भी हमारा बहुत चीज़ों में सपोर्ट करते रहते हैं। और ये मां की नहीं है।
हमें सबको प्लेट ले आइए ताकि सबको खिलाइए। हमारे सुखनंदन जी हैं जो वैसे तो लोकल के रहने वाले हैं। कहाँ पर पड़ता है ना? फतेहपुर पास के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इनके जो शॉप है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप है महाराष्ट्र में। और ये मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए आए थे तो इन्होंने तो मुझसे बात करी थी, लेकिन इनके भैया हैं जो लोग जो डिफेंस में जॉब करते हैं आर्मी में हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी मुझसे इंक्वायरी करी। कम से कम हफ्ते 15 दिन बात करते रहे, और शायद मुझे लगता है कि उनको भी मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी है, उनको मोबाइल फ़ोन के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है। लेकिन उन्होंने मोबाइल फ़ोन का थोड़ा बहुत काफ़ी काम जानते भी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सर मेरा जॉब लग गया तो मैं उसमें चला गया, इसलिए मैं इस काम को नहीं सीख पाया। लेकिन अब मेरे भैया हैं, आप उनको काम सिखाइए ताकि उनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो शॉप है वो तो अपना चलाएंगे, लेकिन जो उनके अंदर कमी है उन कमियों को दूर करके अच्छी तरीके से काम करें। तो सर आप उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू लीजिए ताकि आप बताइए जो नए लोग सीखना चाहते हैं या कोर्स को किस तरीके से सीखा जाएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं सुखनंदन, मेरा घर फतेहपुर ज़िला के सैदपुर गाँव में पड़ेगा। मैं ऑलरेडी 7 साल से मैं रिपेयरिंग की दुकान भी खोल रखा हूँ, जो कि आपके बॉम्बे में वसई सर्कल के अंदर कामन में पड़ेगा। तो 7 साल से मैं काम कर रहा था, हालांकि कर लेता था, लेकिन मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। तो जानकारी जब नहीं रहती है तो कोई कोई ऐसा काम आ जाता है जिसको नहीं भी आदमी कर पाता। जब नहीं कर पाता तो डेली के 4-6-10 सेट वापस जाएंगे तो हम सारा दिन खाली हाथ बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं अपने मन में डिसाइड किया और घर से भी सलाह लिया, तो मेरे भाई भी सपोर्ट किए, काफ़ी जानकारी मिली, जो कि मैं वहाँ रह के मैं 10 साल भी रिपेयरिंग करता और भी 10 साल करता, लेकिन मुझे वो जानकारी नहीं मिल पाती जो मुझे सर के यहाँ मिली। तो आज तो मैं फ़िलहाल काफ़ी खुश हूँ, मेरा पावर आईसी भी क्लियर हो गया है, सीपीयू भी क्लियर हो गया है, और अभी तो मुझे 10-15-20 दिन अभी और रुकना है, जो बाकी दिन बचे हैं उसमें मैं सारा कुछ क्लियर कर लूँगा। हाँ तो बिल्कुल सर, का मेरे पास कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, आज शायद डीसी सप्लाई का लास्ट टॉपिक था, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद कभी हम ये नहीं बोलते कि भैया जाओ जी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका असली कोर्स सीखना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आप मेरे पास पहले आए थे तब तो आप कुछ नहीं सीखे थे, आप बिल्कुल ब्लैंक थे, अब ब्लैंक थे मतलब कोरे कागज़ की तरह थे। जब कोरे कागज़ थे मेरी तरफ मेरे पास आए तो मैंने उसमें उल्टा सीधा सीधा उल्टा जैसा था मैंने आपके दिमाग में लिखा, उसके बाद आपको समझ में आया, फिर आपने सही गैस किया कि भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ ख़राब है, ये तरीका सही है कि वो तरीका सही है। क्योंकि आदमी तभी अच्छी तरीके काम कर पाता है जब सब चीज़ों को सीख जाता है, सीखने के बाद उसका खुद का दिमाग चलता है, खुद का IQ चलता है कि हमको कैसे काम करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, हम ये मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, आखिर बना पा रहे हैं तो क्यों बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे तो उसका रीज़न क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण से मोबाइल फ़ोन नहीं बन पाता या ख़राब हो जाता है, या हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है या हमारे हैंड स्किल में कमी है। क्योंकि मेरे पास जब बच्चे क्लास करते हैं 7-10 दिन क्लास करते हैं तो उनको पावर IC सब कुछ लगाना वगैरह आ जाता है, लेकिन वो जब लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उनके हाथ में जब चालू मोबाइल फ़ोन आता है तो चालू मोबाइल फ़ोन का पावर IC उतार के नहीं लगा पाते। या कोई फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया जिसके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग थी कि पावर IC की वजह से फ़ोन में शॉर्टिंग थी, तो पावर IC की वजह से उसको हटा करके मोबाइल फ़ोन को चालू नहीं कर पाए। तो हम उन स्टूडेंट को मोबाइल फ़ोन देते हैं, फिर वो फ़ोन लाते हैं बनाते हैं अपने हाथों से, और जब अपने मोबाइल फ़ोन को बना लेते हैं, सर ने समझ लिए 3-4 दिन मेहनत किया लगातार, उसके बाद भी मोबाइल फ़ोन में IC ऑन नहीं हुई, फिर लास्ट इन्होंने कल भी चालू किया था, आज भी इन्होंने पावर IC को और परसों भी किया कल भी किया, तो पावर IC को उतार के इन्होंने लगाया, फ़ोन फाइनली चालू हो गया। तो इनको पता चल गया कि मेरे 3 दिन में से हैंड स्किल में क्या कमी हो रही थी, अब मेरे से जो 2 दिन बनने लगा वो क्या कमी ऐसी हो गई। तो सर आप बताइए थोड़ा सा कि पहले आपसे क्या कमी हो रही थी, अब आपने क्या सुधार किया जो आपसे IC बनने लगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से चलने नहीं लगता है, तो उसको चलने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो मुझे भी तो कुछ आता नहीं था, उसी प्रकार से तो 2-3 दिन सीखा, जैसे मुझे मेथड सर बताए तो उसी मेथड के जरिए करते गया, तो मेरा क्लीन हो गया और मोबाइल चालू होने लगा। तो मैं 2-3 मोबाइल बंद किया चालू किया बंद किया चालू किया, अभी मेरा पावर IC एकदम क्लियर है।
हाँ तो इस तरीके से सर ने फिर अपना मोबाइल फ़ोन था, पर्सनली मोबाइल फ़ोन था सर, ग्लास चेंज करना था, टच चेंज करना था, इस तरीके से उस पर भी चालू मोबाइल फ़ोन पे प्रैक्टिकल किया और मोबाइल फ़ोन को चालू किया। तो सर का समथिंग सीखते सीखते एक महीना हो गया, कितना हो गया, 19 दिन समझ लीजिए, 19 दिन हो गया। लेकिन ये समझ लीजिए जो क्लास करते हैं ना, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास करते हैं, पूरा 8 घंटे क्लास करते हैं, हाँ 7-8 भी बच जाता है। तो समझ लीजिए जब इतना टाइम देते हैं, इतना क्लास करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कोर्स को एक दिन पर्सन 10 घंटे क्लास कर रहा है, 10 घंटे क्लास करने का मतलब जो 2 घंटे क्लास करता है एक आदमी, 10 घंटे क्लास करता है, तो समझ लीजिए वो एक हफ्ते के बराबर एक दिन में सीख रहा है। मतलब एक हफ्ते का काम जो एक दिन में सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसको उस काम को सीखने में सालों समय लगता है, हम उस काम को 30 से 35 दिन 45 दिन में कवर कर पाते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वो लोग ये क्वेरी करते हैं कि सर आप 45 दिन में कैसे सिखा देते हैं। हमने कहा 45 दिन में हम नहीं सिखा देते, आप 45 दिन में जो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, तो हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जब आप उस सिस्टम में आ जाते हैं, उस माहौल में आ जाते हैं, तो आप 45 दिन के अंदर सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि 45 दिन का मतलब होता है फिर आपको फुल डे ट्रेनिंग, फिर आपको घर में सारी चीज़ें, घर के सारी परेशानी, घर के सारे काम, सब चीज़ों को उठा करके एक साइड कर दीजिए, सिर्फ आपको एक ही है कि आप और मोबाइल फ़ोन, बस दो ही, सिर्फ दो ही होते हैं, आप होते हैं और मोबाइल फ़ोन होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो जब ऐसा सिचुएशन जनरेट हो जाता है तो आपसे सारे मोबाइल फ़ोन ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सर का कोर्स कंप्लीट हो गया है और फिलहाल सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब तक 10-15 मोबाइल फ़ोन को चालू करेंगे ताकि प्रैक्टिस करके अपना अच्छा सा काम करेंगे। और हमारे पास एक और स्टूडेंट है जितेंद्र वर्मा, ये जितेंद्र वर्मा जी हैं। आप कहाँ से हो जितेंद्र? सर मैं यही उन्नाव का रहने वाला हूँ, ये कानपुर के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर दूर है। मेरा यहाँ पर 15 से 20 दिन मैंने पहले कोर्स किया था, बाद में मैं यहाँ सेटल हो गया हॉस्टल में। सर का यहीं से तब से सीख रहा हूँ, मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है कोर्स और मैं अभी आज घर जा रहा हूँ। तो सर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी ने 15-20 दिन लोकल में 30-40 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, अप डाउन करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम 15-20 दिन का समय पूरा देंगे, 15-20 दिन का पूरा समय यहीं पर हॉस्टल में रहे और पूरा अपना 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास किया, 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास किया और पूरे कोर्स को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली बैच को अपना कंप्लीट किया। अब आगे का प्लान क्या है, तुम्हारा करने का प्लान क्या है, कोर्स तुमने क्यों सीखा हुआ है? सर जी हमारा, क्योंकि अभी हम दूसरे के यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम सर जी के पास से मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो भी हम खुद का शॉप खोलेंगे अपने एरिया में, वहीं काम करेंगे सर। चलिए ठीक है सर, आप नए साल में बहुत अच्छी तरीके से काम करें। शाहरुख जी शाहरुख का, अरे बिल्कुल तो ये हमारे पास शाहरुख जी हैं, और शाहरुख को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स करते करते समथिंग 3-4 महीना हो गया, तीन महीना हो गया। और ये जो आते थे समथिंग 30 से 40 किलोमीटर दूर से आते थे, इनका ट्रेन का डेली का अप डाउन था 55 किलोमीटर। और सर का ऑलरेडी पहले से बिजनेस है किराना स्टोर, बहुत अच्छा किराना स्टोर है, बहुत बड़ा है, वो फैमिली का बिजनेस है, मतलब शुरू से फैमिली से है ना, फैमिली से बिजनेस है, समझ लीजिए बहुत सामान आना जाना ले जाना सारा काम यहीं से करते थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीख लेते हैं, कोर्स सीखने के बाद जो हमारा बिजनेस चल रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन हम एक और नया बिजनेस इम्प्रूव करते हैं ताकि उस बिजनेस में पापा बैठते हैं या और भी लोग काम करने वाले हैं वो भी देखते रहते हैं। लेकिन शाहरुख जी ने सोचा कि हम अपना एक और नया बिजनेस सीखते हैं या एक नया काम सीखते हैं, नया हुनर सीखते हैं, उसके बाद फिर अपना काम करते हैं। इनका इस लाइन में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे जो 3-4 घंटे क्लास करते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्लास के मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के चक्कर में इन्होंने ट्रेन भी अपनी मिस कर दी और रात में 6-6, 7-7 बजे गए हैं, लेट गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्स कर रहे थे मेरे पास, आईसी नहीं बन रही थी, या प्रैक्टिकल कर रहे थे कोई काम नहीं हो पा रहा था, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने फिर अपने दोस्त के यहाँ पर रुके भी कि चलिए सर मैं 10-15 दिन नहीं जाऊँगा, 10-15 दिन पूरा समय दूंगा क्योंकि मैं भी पूरा अच्छे से सीखूंगा। क्योंकि देखो दुनिया में जो आदमी ये ठान लेता है कि हमको ये काम करना ही करना है और हमको काम सीखना सीखना है, तो किसी के अंदर दम नहीं है जो उस काम को रोक सके और कुछ काम होने से रोक सके। जिस आदमी ने ये सोच लिया हम और मोबाइल फ़ोन, अगर दो ये सोच लिया तो समझ लीजिए उससे या तो वो रहेगा या तो मोबाइल फ़ोन रहेगा, वो कहीं जा नहीं सकता, मोबाइल फ़ोन बिना ठीक हुए रह नहीं सकता। तो सर का भी प्लान है कि अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का शॉप ओपन करेंगे। दूसरी बात क्या है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, कई बार ऐसा हुआ कि हमारे बच्चों में कई बार क्लास में कोई नुकसान भी हो जाता है, तो एक बार सर से HDMI केबल थी जो ख़राब हो गई थी,
तो हमने सर को यही बोला कि ये भाई केबल ख़राब हो गई है, तो आपको केबल लेकर के आनी पड़ेगी। तो गए, उन्होंने बोला कि सर मुझसे ख़राब हुई, मैं केबल ला के आऊँगा। उन्होंने केबल लाए और टीवी पे लगाया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, अगर आप लोग ऐसा पॉजिटिविटी आंसर करते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि एक टीचर का भी रिस्पेक्ट होता है, कि अगर आदमी कहीं ना कहीं टीचर का सम्मान करता है तो टीचर भी उसके लिए दिल से, हमेशा तहे दिल से उसके लिए गुलाम होता है। टीचर किसी के ज़िंदगी में गुलाम नहीं होता, लेकिन आपकी मोहब्बत का और आपकी इंसानियत का, आपके प्रेम व्यवहार का, उसी के लिए हमेशा ज़िंदगी में गुलाम होता है और रेडी होता है। ठीक है, तो आप हमेशा सब सक्सेसफुली काम करें। मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष। आप आइए शाहरुख जी, आप सर नए लोगों को बताइए आपने कैसे काम सीखा, थोड़ा सा व्यू दीजिए ताकि लोग सीखने के लाना चाहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ज़्यादा बात करना जानता नहीं हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि इंस्टीट्यूट बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, भैया लोग बहुत ज़्यादा फैमिली की तरह बिहेव इन लोगों का है, और बस ये मान लीजिए आप कि 3 महीने में अगर आप 2-2, 4-4 घंटे का भी टाइम देंगे तब भी 3 महीने में बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, और अगर फुल टाइम दे देंगे दिन भर का तो 45 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और बस मुझे ज़्यादा बोलना बताना आता नहीं है, लेकिन बस मैं इतना बोलूँगा कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये कानपुर का बेस्ट इंस्टीट्यूट है और सबसे अच्छा है, भैया लोगों का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, और बस। ये हमारे नीलेश जी हैं, और नीलेश जी कहाँ से हो आप? जी हम रायबरेली से। नीलेश जी रायबरेली से, नीलेश के बारे में एक बार और बताना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट आते हैं सब लोग सीखने के लिए आते हैं, तो सबके पीछे कहीं ना कहीं कोई कहानी होती है जो मुझे पता होती है। तो नीलेश जी ऑलरेडी एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान पर काम कर रहे थे, उनको शायद 3-4 महीना हो गया, कितना टाइम हो गया? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया, उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सिखा दूंगा, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि हमको अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख करके अपना मोबाइल फ़ोन का स्टोर ओपन करना है। लेकिन स्टोर तभी खुलेगा जब हमको काम आता होगा, जानकारी आएगी, क्योंकि हमको टेम्पर कवर चार्जर मोबाइल फ़ोन बेच करके काम नहीं चलाना, हमको तो हैंड स्किल लेना है, और जिस बंदे के हाथ में हुनर होता है, जिस बंदे को पूरा नॉलेज होता है, जिसके बारे में पूरा रिपेयरिंग के बारे में ज्ञान होता है, वही मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग की दुकान को अच्छे से चला सकता है। तो इन्होंने सोचा चलो भैया की दुकान में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख लेते हैं। 4 महीने काम किया, 4 महीने के बाद आप ये सर बिल्कुल समझ लीजिए कुछ भी नहीं सीख पाए, बस वहाँ पर जाते थे, पूरा दिन रहते थे, समय देते थे, समय देने के बाद फिर इनको लगा कि सर हमको नहीं सीख सकते, तो अब मेरी वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिला, तो इन्होंने सोचा कि चलिए सर के पास जा कर के सीखते हैं। सर बताइए जरा अपने बारे में थोड़ा सा। सर मुझे जो है ये मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना था, तो मैंने एक दिन यूट्यूब पर सर की वीडियो देखी, उसके माध्यम से मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया, तब मैं यहाँ पर आया, तब सर ने सारा जो कुछ था वो बताया मुझे। तो आप वहाँ पर 4 महीने जब आपने काम सीखा तो क्या क्या सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली थी 4 महीने के दौरान? वहाँ पर यही है कवर टेम्पर, बस यही देना था, बाकी कुछ भी नहीं काम करते थे। अगर आप रिपेयरिंग सीखने के लिए बात करते तो आपसे क्या कहते थे कि आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे, या सिखाते थे कि नहीं सिखाते? वो सिखाते ही नहीं थे बिल्कुल, इस बारे में कोई बात ही नहीं करते थे वहाँ पर। सिखाते क्यों नहीं थे आपको? वो किस रीजन से ये नहीं पता, किस रीजन से आए वो नहीं पता कि आपको सिखाते नहीं थे? बस उनका सिर्फ एक ही काम था कि कवर टेम्पर वही दो, बाकी इसकी इसी के लिए मुझे रोका गया था वहाँ। अच्छा, और सीखने के लिए अगर आपने बात करते थे तो क्या आंसर करते थे, रिप्लाई क्या देते थे? कुछ भी बात ही नहीं करते उसके बारे में, कोई भी बात नहीं होती थी। तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कहते हैं कि सर जी मुझको 8 साल हो गया, 9 साल हो गए दुकान में काम करते करते, सिर्फ उनको काम करते करते हो गया, उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात बताता हूँ कि अगर आप 4-व्हीलर चलाना सीखना चाहते हैं, आप 10 दिन 4-व्हीलर के बगल में बैठ के आप वो गाड़ी चलाता रहे, तुम बैठ के देखते रहो, चलते रहो चलते रहो, तो तुम अगर सीट पर बैठोगे कभी नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि जब तक हॉट सीट पर तुम खुद नहीं आओगे, जब तक खुद नहीं आओगे, खुद नहीं करोगे, तब तक उन चीज़ों के बारे में नहीं सीख सकते। तो नीलेश जी आप आगे का प्लान क्या, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं खुद की अपनी शॉप खोलना चाहता हूँ, आगे जो मेरा काम है वो पूरा, मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आगे अपनी दुकान ही खोलना चाहता हूँ। चलिए वेरी गुड, आपके लिए बहुत सारी विशेष। आप अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का स्टोर ओपन करें और अच्छी तरीके से काम करें। रिपेयरिंग का काम करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले हैं टेक्नीशियन हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, मोबाइल फ़ोन को ठीक करके दें तो ही पैसे लें, और ना ठीक करें तो पैसे ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सामने वालों को भी ये भी नहीं लगे मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, उन्होंने गलती से हमसे पैसे ले लिए, या हमको गलत टहलाया, या हमने उसी समय पर काम करें और काम करके अच्छी तरीके से लीजिए। सर
ये साकिब अंसारी हैं, इन्होंने भी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी बात क्या है कि इनको समथिंग 3-4 महीना हो गया कोर्स करते करते, क्योंकि 2-4 घंटे इतना क्लास करते हैं पूरा दिन के अंदर। ये लोकल हैं, लोकल से अपना अप डाउन करते हैं। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हैदरपुर। हैदरपुर ये कहाँ पर पड़ता है? पुखराया। ये पुखराया का कस्बा आएगा, पुखराया कस्बा के बाद में। तो आगे करने का प्लान क्या है तुम्हारा अपना? जी सर, अब मैं दुकान खोलूँगा मोबाइल रिपेयरिंग की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। अच्छा। पहले मैं कैफे में बैठता था सर, तो इससे कुछ मुझे लाभ नहीं हुआ, तो मैंने फिर सोचा कि मैं एक कोई टेक्निकल काम सीखता हूँ, तो मैंने फिर मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम सीखा। चलिए ठीक है, आपको सर बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे तरीके से काम करें। और इनका कोर्स चल रहा है फिलहाल, अभी इनका प्रैक्टिस बाकी है, तो आपसे कहना है कि आप पूरा अच्छे तरीके से सीख करके प्रैक्टिस करके हमेशा काम करें। कोई प्रॉब्लम आती तो आपके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, ओके। ये राहुल जी हैं और राजस्थान से रहने वाले हैं। कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा घर? मेरा राजस्थान। राजस्थान से रहने वाले हैं? राजस्थान में सिरोही जिले से। कहाँ पर? राजस्थान में सिरोही जिले से। राजस्थान में सिरोही जिले से हैं। इनके भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अपनी शॉप है। कितना टाइम से आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? मेरा 6 महीने से। 6 महीने से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर, मुझे यूट्यूब के थ्रू ये पता चला कि यहाँ पे बच्चा अच्छा पढ़ाते हैं वगैरह, रेस्पॉन्स के हिसाब से यहाँ पे आया था। अच्छा, कितना टाइम हो गया सर आपको सीखते सीखते? मुझे सीखते सीखते यहाँ पे आए हुए 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन हो गए। तो 25 दिन में आपने क्या क्या सारी चीज़ें सीख लिया है? सर, जैसे जो भी मोबाइल की जो बेसिक जानकारी होती है वगैरह सब। अच्छा। आईसी वगैरह आप लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं? लगा लेते हैं। काम्बो उसी एक ग्लास चेंज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? चेंज कर सकते। मोबाइल फ़ोन में लॉक खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? खोल सकते। खोल सकते हैं। अब इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब इनको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि सब चीज़ों को एक बार हमने सिखा दिया है। हमारे यहाँ पर बच्चे दो तरीके से सीखते हैं, एक बार मैं सिखाता हूँ, दूसरी बार वो खुद सीखते हैं। पहले मैं सिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद सीखोगे। अगर उसके बावजूद भी कोई कमी रह जाएगी तो मैं आपको अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को दोबारा अच्छे से सिखा के आपको भेजता हूँ। शुभम उमर। प्रदीप। मुजाकिर आलम। अर्जुन सिंह। रोशन। अनुराग उत्तम। आशीष कुमार। अनुभव सिंह। आ जाइए। सुल्तान। सुल्तान मिल जा। आज बर्थडे देखो लो जी, ये देखो बहुत अच्छा हुआ कि साथ में कम से कम फंक्शन हुआ, एक बर्थडे भी होगा। हमने कहा कि इतने सारे लोग का कोई ना कोई तो बर्थडे निकलेगा ही। तो ये हमारे स्टूडेंट है, इनका आज बर्थडे भी है और साल का आखिरी भी है। बर्थडे के साथ में फिर नई शुरुआत करो। तो मेरे पास जितने भी सारे लोग हैं, हाँ चुंठाराम ये लो, मिल गया। तो ये मेरे पास मोहसिन, सर का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, समथिंग 7 दिन हो गए, 6 दिन क्लास करते करते, लेकिन उसमें से 3 दिन ही क्लास किया, बाकी छुट्टी रही है। जी सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह तोमर है, मैं यही प्रॉपर कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा आर्मी से है, तो उसी तरीके से मेरे घर में पूरी तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन है। बट मेरे फादर अभी मई में जब तक रिटायर होके आए हैं आर्मी से, तो मैं चाहता था कि उनके लिए एक प्रॉपर शॉप बना सकूं, जहां उन्हें एज अ प्रॉपर मतलब डिसिप्लिन पर्सन की तरीके वहां उनको बैठा सके और उनको एक ये लगे कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ ऐसा किया कि मैंने तो ज़िंदगी भर नौकरी करी और मैं जब लौट के आया तो मेरे बेटे ने एक बहुत बढ़िया मेरे लिए एक आफ्टर जॉब एक फिर से एक लिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। तो मैंने वैसे ही किया, तो
तो मेरी एक प्रॉपर शॉप है मोबाइल की, जो कि मेरे एरिया में काफ़ी लोग अच्छे से उसको जानते हैं, कस्टमर रिव्यू भी अच्छे हैं, प्लस उसके साथ वहाँ की क्वालिटी भी अच्छी है। उसके साथ साथ मैं अपना टेक्निकल हैंड को इम्प्रूव करना चाहता था, इसीलिए मैंने राघवेंद्र सर के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और विद इन 7 डेज में मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, जिसमें केवल सिर्फ और सिर्फ मैंने 7 दिन के लेके 3 ही दिन केवल मैंने क्लास करी है, और उस 3 दिन में मुझे कनेक्टर लगाना, OCA करना एंड सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें आ गई है। इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से अपने सर को थैंक्स बोलूँगा, जिसके सहायता से आज मैं इतना कुछ 3 दिन में सीख चुका हूँ। बिल्कुल सर, आपके लिए बहुत सारी विशेष, और आप जो भी सारी चीज़ें हैं आपको देखो रेगुलरिटी से टाइम देना है, जो 3-4 दिन आपने छुट्टी किया हुआ है चलिए उसको गैप को कवर करेंगे, लेकिन आपको फुल डे समय देना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके अच्छी तरीके से सीख के अपने बिजनेस को स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू। तुमको केक मिला? अरे इनको केक खिलाओ यार, सुल्तान को, सुल्तान से जाकर, सुल्तान में जाकर देखो फोटो खींचते। मीठा नहीं खाता, तीखा खाता है। ये तो